हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 10 ऑफ एनिमल किंगडम। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम प्रोटोजोन्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देर आर सेवरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। यहाँ पे सेवरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम में, जिसके बिहाफ पे आप एनिमल किंगडम को सेवरल फाइला में डिवाइड करते हैं। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इन माय लास्ट क्लास, जिसमें कि मैं आपको लेवल ऑफ फॉर्मेशन बता चुका था, बॉडी कैविटी बता चुका था, जर्म लेयर के बारे में बता चुका था। अभी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और बचता है, जिसे आप कहते हैं बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री के बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द डिस्कशन ऑफ द फाइला ऑफ एनिमल किंगडम। सो नाउ सी बॉडी कैविटी, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, यानी कि इन दिस केस बॉडी सिमेट्री में आप करते क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि यहाँ पे जो एनिमल की बॉडी होती है, अगर उसको आप किसी प्लेन में कट करते हो तो वो किस तरीके से डिवाइड होती है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सिमेट्री। इफ यू कट एनिमल बॉडी इनटू एनी प्लेन, देन इन व्हाट पार्ट इट विल ब्रेक, इट विल कट, दैट यू कॉल्ड बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री के बिहाफ पे, जो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री के बिहाफ पे जो कितनी सिमेट्री हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं, और एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो बॉडी सिमेट्री के बिहाफ पे जो एनिमल्स होते हैं, वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल एनिमल, एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल एनिमल का मतलब ये है कि यहाँ पे देर इज नो रेगुलर शेप ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स में इररेगुलर शेप ऑफ द एनिमल बॉडी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स में इररेगुलर शेप ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की जो शेप है वो इररेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। राइट, इफ यू कट द बॉडी इनटू एनी प्लेन, इट विल नेवर डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाल्व्स। अगर आप बॉडी को किसी भी प्लेन में कट करते हैं तो बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इफ वी कट द बॉडी इनटू एनिमल एनी प्लेन इनटू एनिमल एनी प्लेन इनटू एनी प्लेन देन इट विल नॉट डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाफ्स, देन इट कैन नॉट डिवाइड इट into two equal halves। तो इसको आप दो equal halves में divide नहीं कर सकते, irregular shape of body होती है। Asymmetrical animal का जो best example है वो है Porifera। Porifera में body की जो symmetry होती है वो asymmetrical होते हैं, ये generally irregular animal होते हैं। तो best example is Porifera। Asymmetrical animals की category में सिर्फ Porifera आते हैं, phylum Porifera में जितने भी animals हैं, except few animals, right? ये जो है asymmetrical body होती है। Right? इसके बाद जो दूसरी है सिमेट्री वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, इफ यू कट द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू एनी प्लेन, अगर आप बॉडी ऑफ एनिमल को किसी भी प्लेन में कट करते हैं, राइट, किसी भी प्लेन में अगर आप कट करते हैं, ऑलवेज डिवाइड्स इनटू द टू इक्वल हाफ, राइट। तो इफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स कट इनटू एनी प्लेन, देन द एनिमल्स की जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल होती है वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। आप ऐसे काटे किसी भी एंगल से आप उसको कट करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से कट होना चाहिए, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, वो हमेशा दो प्लेन में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे केस में रेडियल सिमेट्री होती है। या फिर सिलेंड्रिकल अगर बॉडी है तो उसको आप किसी भी एंगल से काटे, सेंटर से अगर कट करते हैं, राइट, तो भी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो स्फेरिकल बॉडी और सिलेंड्रिकल बॉडी, तो ऐसी जो बॉडी सिमेट्री होती है इसको आप रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, राइट। सो इन दिस केस एनिमल बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स, दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होती है बाय कटिंग इनटू एनी प्लेन, बाय कटिंग इनटू एनी प्लेन, उसको किसी भी प्लेन में आप कट कीजिए, वो जो है दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा बाय कटिंग इनटू एनी प्लेन, राइट। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। तो ऐसी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री का यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नाइडेरिया।
एक्टिनो फोरा भी रेडियल सिमेट्री में आता है। तो इन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, एनिमल की बॉडी को किसी भी फ्रेम से कट कीजिए दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करती है। इसके बाद जो तीसरी सिमेट्री है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, इसम केयरफुली अबाउट दिस आल्सो। नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री। अगला है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन बाइलेटरल सिमेट्री इफ यू कट द एनिमल बॉडी राइट इनटू ए सिंगल प्लेन, बॉडी को सिर्फ बीच में से काटा जाता है राइट। यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में आप काट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर आप बॉडी को काटते हैं तो ही वो सिर्फ राइट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एंगल से आप उसको काट सकते हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही आपको बॉडी को कट करना पड़ेगा तो ही वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। जैसे ह्यूमन बींग की भी अगर बात करें तो हमारी बॉडी को सिर्फ इसी प्लेन में कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। सच काइंड ऑफ बॉडी सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। तो इन बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल बॉडी कट इनटू ए सिंगल प्लेन, कट इनटू ए सिंगल प्लेन देन ओनली डिवाइड इनटू, देन ओनली डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सिर्फ एक सिंगल प्लेन में कट करने पे ही बॉडी जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, अदरवाइज तो नहीं होती। एनिमल बॉडी कट इनटू ए सिंगल प्लेन देन ओनली डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी बॉडी सिमेट्री जो होती है बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होती है। इसका एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन से लेके कोडेटा तक सभी में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो एग्जांपल क्या है, प्लैटीहेलमिन टू कोडेटा। तो प्लैटीहेलमिन टू कोडेटा में बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है राइट। तो ये कुछ मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बता दी राइट। एक और यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप कंसीडर करते हैं, दैट वी कॉल्ड नोटोकोड। अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकोड। नोटोकोड क्या है राइट, नोटोकोड एक मेसोडर्म, जो जर्म लेयर होती है जिसको आप मेसोडर्म बोलते हैं उससे ये डिराइव होता है। तो दिस इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर राइट, ओनली प्रेजेंट इन कोडेटा। नॉन कोडेट्स में नोटोकोड नहीं होता है, सिर्फ कोडेटा में ही नोटोकोड होता है। तो कोडेटा जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, कोडेटा जो फाइलम हमने क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ये बात आपको याद रखनी है। Notochord is what? This is the mesodermally derived rod-like structure. So mesodermally derived rod-like structure that you call notochord. जिसे आप notochord कहते हैं, mesodermally derived rod-like structure, right? तो यहाँ पे notochord only present in chordata. सिर्फ ये कोडेटा में प्रेजेंट होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, नॉन कोडेट्स में नहीं होता है राइट। जो कोडेटा फाइलम क्रिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। सो दिस इज अबाउट बॉडी सिमेट्री एंड दिस इज अबाउट नोटोकोड। इसके बाद जो है क्या है वो, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल डिफरेंट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फाइलम प्रोटोजोन्स की, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोन्स में कौन कौन से आते हैं एनिमल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोआ, तो याद रखिए अबाउट द प्रोटोजोआ, ध्यान दीजिए। तो यहां पे प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर एनिमल्स भी इनको कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो बी नोन एज यूनिसेलुलर एनिमल्स। इनको आप यूनिसेलुलर एनिमल भी कहते हैं यानी कि सिंगल सेल एनिमल। ये सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, आप ऐसा इनको कह सकते हैं राइट। प्रोटोजोआ यहां पे सिर्फ सिंगल सेल प्रोसेस करती हैं, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सारे फंक्शंस रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन डाइजेशन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सिंगल सेल्स। दैट्स व्हाई दीज आर सिंगल सेल एनिमल्स,
इनको आप प्रोटोजोआ कहते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरी तरीके से एनिमल सेल प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस एनिमल सेल, प्रोसेस एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स प्रोसेस करते हैं, राइट। इसके यहाँ पे सेवरल एग्जांपल्स हैं। इनमें जो लोकोमोशन होती है, अगर मैं लोकोमोशन की बात करूँ, ठीक है, इनमें जो मेनली लोकोमोशन होती है, मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, सीलिया, सुडोपोडिया, इन सब की हेल्प से इनमें लोकोमोशन देखा जाता है। तो यहाँ पे जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, सीलिया, फ्लैजेला एंड व्हाट, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया एंड फ्लैजेला की हेल्प से इनमें सुडोपोडिया भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। तो लोकोमोशन जो टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, इनकी हेल्प से लोकोमोशन होती है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, राइट। एग्जाम्पल बताने से पहले, एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि अमीबा जो है इन्हीं की कैटेगरीज में आता है और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल प्रोसेस करती है, कोई सेल वॉल नहीं होता है इसमें, राइट। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस बी परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल्स, परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल परफॉर्म करती है, राइट। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाता है इनमें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, खासकर इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ, राइट। इनके हैबिटेट के बारे में मैं आपको और बताता हूँ, देन आई विल कम टू द एग्जाम्पल्स। ध्यान दीजिए, अगर मैं प्रोटोजोन्स की बात करूं, प्रोटोजोवा की बात करूं, तो इनके हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, तो ये मेनली कैसे होते हैं, ये मेनली होते हैं पैरासाइटिक। ये बात याद रखिएगा कि इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो इस ग्रुप में आते हैं वो मेनली पैरासाइटिक होते हैं। वो क्या होते हैं, मेनली पैरासाइटिक होते हैं, हैबिटेट मेनली पैरासाइटिक, राइट। एंड कुछ फ्री लिविंग भी इनमें देखे जाते हैं, पैरासाइटिक एंड फ्री लिविंग भी प्रोटोजोआ में आते हैं। तो मेनली ये पैरासाइटिक है, बट फ्यू आर, सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो, लाइक पैरामीशियम इज द फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिप्नोसोमा, राइट। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ट्रिप्नोसोमा, ये पूरी तरीके से पैरासाइटिक है एंड दिस इज डिजीज कॉज। ये क्या है, ये डिजीज कॉज है, इसकी वजह से बीमारी होती है जिसको आप बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी है वो इस ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है, दिस इज डिजीज कॉज पैरासाइट ट्रिप्नोसोमा। ऐसे ही एक सिलेटेड प्रोटोजोन होता है, सिलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जो कि एक फ्री लिविंग पैरासाइट, सॉरी पैरासाइट की फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जिसको आप बोलते हैं, उसका एग्जांपल जिसमें कि सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जांपल है अमीबा, राइट। एक होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइटिक होता है, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको आप कहते हैं डिसेंट्री, एक डिजीज जिसको आप डिसेंट्री कहते हैं वो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। ऐसे एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसकी वजह से मलेरिया होता है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है, ये क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोजोन्स, राइट। दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोजोन्स एंड दिस इंफॉर्मेशन आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू।
Now the next phyla or the next phylum of the animal kingdom that you called Porifera. Porifera ke bare mein samajhte hain. Listen carefully about Porifera also. So next is phylum Porifera. अगला जो है वो है हमारा फाइलम पोरिफेरा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो फाइलम पोरिफेरा की हम बात करते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट फाइलम पोरिफेरा। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा को पोरिफेरा क्यों बोला जाता है? दीज आर मेनली पोर बियरर्स। इसमें पोर्स प्रोसेस करता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पोरिफेरा। दीज आर मेनली पोर बियरर्स। ये पोर बियरर्स हैं, यानी कि प्रोसेस पोर। इनकी बॉडी में मिलियन थाउजेंड्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? इसलिए इनको पोरिफेरा बोला जाता है। बात समझ में आ रही है, राइट? इनकी जो बॉडी सिमेट्रिक होती है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एसिमेट्रिकल होते हैं बॉडी सिमेट्री के हिसाब से। ये बात याद रखनी है आपको। दीज आर एसिमेट्रिकल, यानी कि इनमें कोई बॉडी सिमेट्री नहीं होती है, कंप्लीटली एसिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी सिमेट्री इज एब्सेंट, एसिमेट्रिकल, राइट? इसके अलावा यहाँ भी बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी के हिसाब से एसिलोमेट होते हैं, यानी कि एब्सेंट ऑफ कैविटी, यानी कि कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, राइट? इसके अलावा जर्मियर के हिसाब से ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। और इनके हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट में ये मेनली एक्वेटिक होते हैं। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एंड मैराइन वाटर भी होते हैं, राइट? इनका एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है। दे पॉसेस वाटर कैनाल सिस्टम। इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये बात आपको याद रखनी। दे पॉसेस वो वेल डिफाइंड वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, ये आप जान लीजिए। प्लीज लिसन केयरफुली अबाउट दी वाटर कैनाल सिस्टम ऑल्सो। तो वाटर कैनाल सिस्टम को हम डायग्रामेटिकली बताते हैं आपको। वाटर कैनाल सिस्टम दैट इज द पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर की मूवमेंट का एक पैसेज है ये वाटर कैनाल सिस्टम, जिसे आप कहते हैं। डायग्रामेटिकली मैं बताता हूं, राइट? यहां पे सपोज दैट दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ। ये यहां पे मैंने एक पोरिफेरा का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बता दिया है आपको। यहां पे एक कॉमन ओपनिंग होती है, ये ऑस्टिया है, ऑस्टियम इनको बोलते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, राइट? और यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको आप बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको आप? ऑस्क्यूलम बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग। और यहाँ पे एक बॉडी कैविटी होती है जिसको आप बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं इसको? स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो यहाँ पे पानी ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील में जाता है बॉडी कैविटी में। ये मतलब ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, ये बात याद रहे, क्योंकि ये एसिलोमेट होते हैं, बट दे प्रोसेस स्पॉन्जोसील और फिर वो ऑस्क्यूलम से निकल जाता है। तो इसका जो फ्लो का पाथवे है वो कैसे है? सबसे पहले ऑस्टियम में जाएगा, ऑस्टियम से वाटर स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील से वो ऑस्क्यूलम में जाता है, और ऑस्क्यूलम से दैट विल कम आउट आउटसाइड। इस तरीके से यहाँ पे पानी फ्लो होता है अंदर, राइट? उसी वाटर के थ्रू ये एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को सप्लाई करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये दिस इज वाटर कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। इनको जनरली आप कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस ऑल्सो, राइट? इनकी बॉडी वॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट सेल, राइट? प्रोसेस इन देयर बॉडी वॉल, प्रोसेस इन बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। हेल्प्स इन डाइजेशन में हेल्प करती है, राइट? ये बात आपको याद रखनी है।
इसमें जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर टेक प्लेस करता है डाइजेशन। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर विच टेक प्लेस इनसाइड दी सेल। तो यहां पे जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। इट मीन्स टेक प्लेस इनसाइड दी सेल, टेक प्लेस इनसाइड दी सेल। डाइजेशन सेल के अंदर टेक प्लेस करता है, तो डाइजेशन यहां पे इंट्रा सेलुलर है। कौन सा है यहां पे डाइजेशन? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, राइट। इसके अलावा ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल का मतलब यहां पे क्या है कि ये पॉसेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। पॉसेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स, ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पॉसेस करते हैं, मेल भी और फीमेल भी, राइट। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन जो इसमें होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड दी, रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये रेस्पिरेशन करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। एक्सक्रीशन थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, ये बात भी याद रखिएगा, एक्सक्रीशन में जो करते हैं ये वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से एक्सक्रीशन का काम करते हैं, याद रखें। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, थ्रू वाटर कैनाल, तो वाटर कैनाल सिस्टम से ये एक्सक्रीट करते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो वाटर कैनाल सिस्टम से इनमें एक्सक्रीशन होता है। वॉरीफेरा इज द ओनली एनिमल फाइलम जिसमें कि नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, और इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता है, नो लोकोमोशन, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। जहां पे लोकोमोशन नहीं होता है ऐसे एनिमल्स को आप सेसाइल एनिमल भी कहते हैं। सेसाइल एनिमल्स मतलब जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं और मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, तो ये सेसाइल एनिमल्स भी हैं, ये बात आपको याद रखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्पॉन्जिला। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दिस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, राइट। तो इसको आप स्पॉन्जिला बोलते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है वो राइट, इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। देयर इज कॉमन नेम ऑफ दिस, वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। यू स्पॉन्जिया, इसको आप बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, इसको आप बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोरिफेरा, दीज आर सम एग्जांपल, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक एग्जांपल और आप लिख सकते हैं साइकोन, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ पोरिफेरा। सो दिस इज ऑल अबाउट पोरिफेरा, ये पोरिफेरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोरिफेरा। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पोरिफेरा के बाद जो अगला है हमारा, तो पोरिफेरा हो गया। पोरिफेरा के बाद द नेक्स्ट ग्रुप इज नाइडीरिया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद दी अनदर फाइलम दैट इज कॉल्ड नाइडीरिया। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।